और इंडिया में आपने कितनी मूवीज की आई थिंक ऑल टुगेदर आईव डन 6 मूवीज देयर टू रियलिटी शोज अच्छा और कौन-कौन से बिग स्टार्स के साथ आपकी मुलाकात रही एवरीबॉडी आई थिंक ऑलमोस्ट आई हैव इंटरेक्टेड विद एवरीबॉडी देयर प्रिया सबसे ज्यादा आपको कौन बेहतर लगा एज अ पर्सन नॉट एज एन एक्टर एज अ पर्सन आई थिंक एज पीपल दे ऑल आर जस्ट सो ब्यूटीफुल बट आई थिंक आई मेट रानी मुखर्जी And, um, बात है, उनको हमने फिल्मों में इतना ज्यादा देखा था तो मैं, मुझे लगता था मोस्ट ब्यूटिफुल्ड इन आईज शोटी आईज उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल बॉलीवुड को उर्दू बोलना सिखा दी <laughs> ऐसा क्या था आई थिंक बिकॉज अच्छा जब मैं इंडिया में थी मैंने बहुत सारी हिंदी भी सीखी ना बिकॉज वी वर स्पोज टू स्पीक हिंदी वी वर स्पोज टू स्पीक हिंदी ऑन बिग बॉस तो शुरू शुरू में मुझे कहाँ हिंदी आती थी तो मुझे तो उर्दू आती थी ना तो मैंने उर्दू में ही कम्युनिकेट करना था एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक ना वो एक लेसन हम टीचर्स बने हुए थे hmm. तो वहाँ पे आया आ, जो हमारा सिस्टम है गैलेक्सी जो हमारा hmm. स्टार्स का सारा सिस्टम है तो अब मैं कहूँ कि हिंदी में तो मुझे कुछ आता ही नहीं है hmm. तो मैंने वो सारा बच्चों को सिखाया कि तारा क्या होता है सितारा क्या होता है बिग बॉस हाउस और सलमान खान वो इज वर्किंगी देटरली मेड एन टॉन्ग ऑन इट Uh, सितारा में सितारा सितारों के जहां में मिलेंगे हम यारा सो so, यस yes, um, उसके बाद से बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते थे कि आपने हमें उर्दू बोलना सिखाई लेकिन ऑब्वियसली आई नो चॉइस हिंदी मुझे आती नहीं थी बट बिग बॉस पे मैंने बहुत सारी हिंदी सीखी जैसे कहते हैं कि आपका दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है अच्छा एंड सम बुरी बात अश्लील बातें

Shoot. और उसके बाद रिसर्च कर डाली है घुमा घुमा के, के उस कवर को देख लिया है मैंने फोटो शूट किया था इट वॉज अल फोटोशूट मैन इट कम्स टू वर्किंग इन इंडिया जस्ट नॉर्मल फोटोशूट जो सब एक्ट्रेस करते हैं आप उसको है। बोल्ड की डेफिनेशन किससे शुरू होती है ना तो मतलब किसी अभी जिसने शटल वाला बुरका पहना हुआ है तो उसके लिए तो वो खातून बोल्ड है ना जिसने दुपट्टा पहना तुम आई एस आई एजेंट हो मैंने कहा कि हमारी एजेंट बन जाओ ऑफकोर्स वी टेक अलॉर ऑफ प्राइड मुझे तो इस बात में भी बहुत सारी प्राइड लगती है कि पीपल एसोसिएट में विद आई एस आई और इफ आई हैड द चॉइस आई वुड हैव प्रॉब्ली रोट रोट आई एस आई और अपने दिल पे लिखती आई दैट वॉज जस्ट अ फोटो दे पुट इट बिकॉज दे टू क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी और मुझे हैरानगी ना अपनी अपने लोगों पे होती है मुझे पता लिटरली मुझे कभी कभी ये भी लगता है मुझे लोगों से इस बात का भी आंसर चाहिए कि जिन कपड़ों पे आप लोगों ने मेरा इतना शोर मचाया इधर तो सब पहन रही हूँ तो मेरे को क्यों तंग किया बट आई थिंक कुछ लोग होते हैं वो बहुत शायद आई डोंट नो लोगों को बहुत अजीज होते हैं तो वो आपको लगता है या आपका ये क्लेम है कि वो एडिटेड फोटो शूट था ची, क्लेम नो इट वाज एडिटेड इट वाज आपने उनको सू किया कोई आई थिंक वो जो हमारे भाई हैं एक जो सबका बस्ट करते रहते हैं चीजें इकरार भाई जी इकरार भाई ने पूरा शो कर दिया था he just uh, hired an editor और उन्होंने पूरा सारी दुनिया ने उसको देख लिया it was an edited photo उसमें body parts को भी normally देखा जाए तो that was an edited picture तो आपकी तरफ तो, से वो topless या nude photo shoot नहीं था of course not I was just wearing a thong and uh, it was a complete edited picture and in a certain light they wanted to show it and they showed it and immediately look Because when I was working in Bollywood, I had the complete conscious that I'm working in Bollywood. And I had the complete conscious that what I'm wearing. And if I had done something, must go on kyunakarti. I'm the kind of person that if I do something, I have the guts to look into the eyes that yes, I have done it. But if I haven't done something, दुनिया का कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है जो मुझे ये कह दे कि तुम ये बात मान लो आई मीन दैट्स नॉट दैट्स नॉट इन माई ब्लड आई कान डू दैट वाई शुड आई बी द पार्ट ऑफ योर एजेंडा क्यों सो so, आई um, uh, और ये भी है कि जब आप काम कर रहे होते हैं एंड स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान जिस तरह की हमारी हिस्ट्री है चीज़ें हैं एंड सब कुछ है कॉन्ट्रोवर्सी चीजें बट दैट वॉज समथिंग इवन आई वॉज लाइक ये किसके दिमाग का ब्रेंड चाइल्ड है हाउ डिड हाउ इट हैपन एंड ऑब्वियसली फिर उसके बाद उसके बाद आई कम बैक टू पाकिस्तान एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री